हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को, जिसे हम और आप इंडियन पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो को आप जब शुरू से अंत तक देख पाइएगा तो इसमें हर एक पॉइंट की हम डिस्कशन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, और वे आते भी हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से संसद से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और इन सबको जो मिला करके संसद बनता है तो उनकी क्या क्या अपनी भूमिका रहती है। तो हर एक पॉइंट को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो टॉपिक होगा हमारा, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि आज हम बात करेंगे संसद पर। संसद में उपस्थित हर एक बिंदु को हम आज क्लियर करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए, संसद जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में संसद से रिलेटेड बातें की गई है। हमारे भारत की जो संसद है वह कहाँ से ली गई है? तो हमारे भारत की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से ली गई है। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं कि हमारे संविधान में संसद का जो जिक्र है वो 79 नंबर आर्टिकल्स में किए गए हैं, जबकि ब्रिटेन की संविधान से, संसदीय प्रणाली से हमारे भारत की संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अब देख लेते हैं कि संसद का निर्माण जो होता है वह हमारे भारत में किस प्रकार से होता है। तो कहा ये जाता है, कहा ही नहीं जाता है, इसका वर्णन भी है हमारे संविधान में कि संसद के जो होते हैं वे तीन अंग होते हैं। एक नंबर जो होगा उसका नाम होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा इसको बोलते हैं। नंबर दो पर आता है लोकसभा, ठीक है, और उसके बाद नंबर तीन पर आते हैं हमारे देश के महामहिम या प्रथम व्यक्ति कहें या चीफ ऑफ इंडिया भी कहें या चीफ ऑफ, ये आपको तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी बोलें तो वे होते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो याद रखेंगे इन तीनों को मिला करके जब एक निर्मित हुई व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 80 में वर्णित किया गया है, जबकि लोकसभा के बारे में 81 नंबर में वर्णित किया गया है, और राष्ट्रपति हमारे देश में एक होगा, इससे संबंधित बातें जो है आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। तो देख लेंगे हमारे संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये तीन चीज़ों से मिलकर के हुआ रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक एक करके, एक बार राज्यसभा के बारे में और फिर लोकसभा के बारे में और फिर बात करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए हम लोग अब राज्यसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा से कुछ जो मिलते जुलते चीज़ हैं उसको थोड़ा सा हम मिलाने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, 81 नंबर में लोकसभा की बात की जाती है, 80 नंबर में बात की जाती है उसमें राज्यसभा को। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा एक साथ हम थोड़े देर के लिए लेकर के चलेंगे, फिर बाद में इसको लोकसभा को हटा करके पूरे राज्यसभा को बताएंगे। राज्यसभा जो होता है वह हमारे जो ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा जो है वह जो द्विसदनात्मक प्रणाली है हमारे देश में कि दो ठो सदन होगा, एक राज्यसभा होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वह लोकसभा होगा। तो इसको हम लोग ऊपरी सदन या उच्च सदन कहते हैं, याद रखिएगा, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा जो है वह निम्न सदन कहलाता है। देख लेंगे इसमें क्या थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये उच्च सदन कहलाएगा और जो आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है, और ये कहते हैं कि यह अस्थाई सदन होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा जो होता है अस्थाई सदन होता है, और यह जो लोकसभा होता है अस्थाई सदन कहलाता है। याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रक्रिया के द्वारा राज्यसभा को किसी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को ज़रूरत के अनुसार जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या हमारे संविधान में इसको उच्च सदन, निम्न सदन या अस्थाई या अस्थाई के बारे में चर्चा किया गया है क्या, तो नहीं, हमारे संविधान में कहीं भी इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। आइए अब बढ़ते चलते हैं, हम लोग पूर्ण रूप से अब उच्च सदन के बारे में, हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं और आइए अब देख लेते हैं। हमारे भारत के राज्यसभा में कुल बताया गया है कि 250 जो है कुल सीट रखी जाएगी। दोस्तों ये कहा जाता है कि हमारे भारतीय जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। देखेंगे
काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पता है स्टेट में वे प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से इनको चुन करके राज्यसभा को बनाया गया रह गया है। यही कारण है कि राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी स्टेट की तरफ से जो है लेकर के आया गया रहता है। हमारे भारतीय संविधान में 250 सीटों का वर्णन किया गया है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें ही हैं, यानी कि वर्तमान में 245 सीटों पर कार्य जारी है और कार्य हो रही है। अब बात आती है हमारे पास कि हमारे भारतीय संविधान के तहत जो राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी व्यक्ति चुन करके भेजे जाते हैं वे अपना काम कहाँ करते हैं। तो हमारे राज्यसभा से या लोकसभा से दोनों से जो भी व्यक्ति चुन करके भेजे जाते हैं वे संसद भवन में काम करते हैं। संसद भवन कहाँ है? तो दिल्ली में उपस्थित रहने वाली है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इन 250 देखेंगे जो संपूर्ण की बात किया जाए, संपूर्ण कितने की बात किया जाए, वे होंगे आपके 250। अब करता है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो इसके 245 सदस्य हैं। तो सबसे पहले ये संपूर्ण की बात कर लेते हैं कि 250 को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो 250 को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक नंबर भाग होता है 238 और प्लस दूसरा क्या होता है 12। तो सबसे पहले हम 12 को इधर लिखेंगे और फिर यहाँ पर 238 को लिख देंगे। देखेंगे 12 और 238 को जब हम मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के 250 हो ही जा रहा है। अब ये 12 कौन होते हैं? इसको मनोनीत सदस्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसे मनोनीत सदस्य कहते हैं और जबकि इसको निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो संपूर्ण 250 की बात की गई है ये राज्यसभा सदस्यों की या सांसदों की, उनकी संख्या 250 तो है ही, लेकिन उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है मनोनीत सदस्य और दूसरा नंबर भाग होता है आपका निर्वाचित सदस्य। तो सबसे पहले मनोनीत सदस्यों के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन होते हैं। इसे जो है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत कहाँ से होते हैं? तो देख लीजिएगा, चार चीज़ें होती हैं। पहला नंबर साहित्य, दूसरा नंबर विज्ञान और तीसरे नंबर कला या फिर समाज सेवा। देखेंगे ये जो चार चीज़ें हैं ना, इसमें से जो व्यक्ति परिपक्व है और बिल्कुल संपूर्ण है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लिए एक बहुत जानकार आदमी है साहित्य विज्ञान कला या समाज सेवा में, तो वो जो है मंत्रिपरिषद हालांकि इसके लिए सिफारिश भी किया करती है और उसके आधार पर हमारे देश के राष्ट्रपति इन्हें चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए 12 मनोनीत सदस्य और उसके बाद 238 संपूर्ण की बात की गई है हमारे संविधान में। अब देख लेते हैं कि ये 238 जो है, चूंकि हमारे देश में दो प्रकार की राज्य पाई जाती हैं यानी कि दो प्रकार की स्टेट पाए जाते हैं, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा होता है जो अपनी राज्य होती है, स्वतंत्र राज्य होती है जो संघ से जाकर के जुड़ी हुई होती है। तो अब इसमें जो होगा 238 को भी इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक आता है 230 और दूसरे नंबर आता है 8। अब रही बात ये 230 कौन है, दोस्तों ये वही है जो राज्य से चुन करके आते हैं और राज्य से कौन चुन करके इनको भेजता है, इन्हें राज्य से चुन करके भेजने का काम करते हैं हम, जिन्हें एमएलए बना करके विधानसभा में भेजते हैं। एमएलए वो कौन सा एमएलए, यानी कि विधानसभा वाले एमएलए, विधान परिषद वाले एमएलए नहीं, उनके द्वारा ये 230 सदस्य चुन करके आएंगे और उसके बाद 8 सदस्य जो होंगे वह केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। अब रही बात कि क्या पूरे भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य हैं क्या उनमें सबको बराबर बराबर राज्यसभा सदस्य दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो है वह सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य आते हैं। तो 250 को इस प्रकार से अलग अलग करने की व्यवस्था हमारे संविधान में है। अब आ जाइए वर्तमान में कैसे कैसे अभी फिलहाल में है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो वर्तमान में कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं हमारे संविधान में बात की 250 का, वर्तमान में 245 है। इन 245ों में अगर बात करें तो 12 में तो कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है, मनोनीत सदस्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ होने वाला नहीं है, लेकिन 45 में अब बच कितने गए आपको, 233 बच गए। देख लेंगे 2 और 3 5 हो जाएंगे और 3 और 1 4, 245। तो ये होंगे मनोनीत सदस्य, वर्तमान में मनोनीत सदस्य 12 हैं, वे हैं विज्ञान से, साहित्य से, कला से या फिर क्या
उसको समाज सेवा से। अब आप सोचिएगा कि खेल से भी तो आते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया खेल से। तो याद रखिएगा, कला का ही एक रूप होता है खेल, इसलिए कला से वो चुन करके सचिन तेंदुलकर हमारे राज्यसभा में सांसद बन करके आए हुए थे। अब बात कर लेते 233, तो वर्तमान में 233 जो है ये अभी दो भागों में विभाजित है। इसमें देख लेंगे कैसे, पहले तो इसमें से 8 हटा ही दीजिए तो बचते कितने हैं 225। 225 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो राज्यों के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके द्वारा चुन करके उनको लाया जाता है। जबकि वहीं पर अगर बात करेंगे 8 सदस्यों के बारे में, तो ये 8 सदस्य जो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। तो अब कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आ रहे हैं ये भी बात क्लियर हो गई है। दिल्ली से चुन कर आ रहे हैं, पुडुचेरी से चुन करके आ रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि हाल ही फिलहाल में हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और पहले यह राज्य था। इस दिल्ली में कुल मिलाकर के 3 राज्यसभा सदस्य चुन करके राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अगर पुडुचेरी की बात करेंगे तो इसमें से एकमात्र जो है राज्यसभा सदस्य चुन करके राज्यसभा में भेजे जाते हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर से अब जो है 4 उसको राज्यसभा सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं। तो 4 और 1 5, 5 3 8 और 225 जो होगा राज्यों से चुन करके आएंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 250 अगर यहाँ पर कर लेंगे एक बार फिर से, तो 250 करेंगे तो 12 और 238 होता है। उस कंडीशन में यहाँ पर 230 और ये 8 होता है, लेकिन वर्तमान जो हमारे राज्यसभा में है तो उसमें है 12 और 233। 223 को दो भागों में बांटा गया है, 225 और कितने में, 8 में। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्यसभा सदस्य होने के लिए हमारे पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अब। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग राज्यसभा सदस्य को जो कि हमारे राज्यसभा में विधानसभा से चुन करके भेजे जाते हैं, उनकी क्या क्या अपनी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एज मार्किंग रखता है इसमें, एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे पहले तो इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष हो जानी चाहिए, मिनिमम उम्र जो होनी चाहिए वह 30 साल हो जाने चाहिए। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 काम आते हैं कि ये दिवालियाँ या फिर पागल नहीं होने चाहिए। अगर इनके पास ये सारी क्वालिटीज़ है तो राज्यसभा सदस्य बनने के काबिल हैं। ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से निर्धारण की जाती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। अब बात करेंगे कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है और इनका कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा का जो हमारा ये स्थापना हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। देखेंगे 1900 कितने में, 52 में। लेकिन पहली बैठक कब हुई थी, वह हुई थी 13 मई और 1952 में। तो याद रखिएगा 13 मई 1952 में भारत में राज्यसभा का प्रथम बैठक हुआ था। उसमें कहा यह गया कि जितने भी सदस्य आए थे दोस्तों, उनमें से कहा जाता है कि जितने भी सदस्य आए थे उनके कार्यकाल जो होगी राज्यसभा सदस्यों की ऐसे 6 वर्ष बताया जाता है। लेकिन शुरुआत वाले जो लोग थे ना उनकी कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष नहीं थी। लेकिन रियल में अगर अभी बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने साल की होती है तो वह 6 वर्ष की होती है। लेकिन शुरुआत में जो लोग आए वे लोग उतने दिन के लिए नहीं थे। आइए मैं बता देता हूँ। कहा यह जाता है कि राज्यसभा के सदस्य जो होंगे हर 2 वर्ष पर 1/3 इसमें से अवकाश ग्रहण कर लेंगे, अर्थात उनकी विदाई कर दी जाएगी राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा से उनकी विदाई कर दी जाएगी, उनको छुट्टी दे दिया जाएगा। ये फिर अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़े लफड़े हैं, ये शुरुआत कैसे हुआ होगा। तो आइए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि 1952 ईस्वी में जो है जितने भी राज्यसभा सदस्य चुन करके आए उनमें से 1954 में ये कहा गया कि आप जो है इसमें से 1/3 भाग हटेंगे। अब 1/3 भाग हटेंगे कैसे, अब तो किसी को हाथ पकड़ के हटा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए लॉटरी सिस्टम लाई गई, लॉटरी सिस्टम लगाई गई और जितने भी राज्यसभा सदस्य इसमें उपस्थित थे उनमें से 1/3 जिनके जिनके नाम निकल गए उनको इसमें से छुट्टी कर दिया गया। जो बचे हुए थे वे अब चौथे यानी कि 2 वर्षों के बाद में चौथे वर्ष के लिए काबिल थे। फिर जैसे ही चौथा वर्ष आया उस समय फिर से इनका 1/3 भाग जो है इनमें से लॉटरी सिस्टम लगा करके 1956 में इनमें से इनको हटा दिया गया, यानी कि अवकाश ग्रहण करा दिया गया। तो अब जितने भी सदस्य थे 1/3 इसमें से छट गए, जो अंतिम में आए वे 1/3 यहाँ पर चले आए और 1/3 यहाँ पर एक बार भर लिया गया अभी, और पहले से 1/3 जो है राज्यों से ला करके भर दिया गया, ठीक है।
अब जो है लॉटरी सिस्टम वाली बात जो 1956 में हुई, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब ये बाकी कितने थे, 1/3 ही थे। जैसे ही ये 1/3 यहाँ से उनकी 6 साल पूरा हुआ, वे हट गए और 1/3 राज्यों से चुन करके ला दिया गया। इस प्रकार से हर 2 वर्षों पर देखेंगे राज्यसभा के कुछ ना कुछ सदस्य जो होंगे वे मनोनीत करके राज्यों से हमारे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। उनकी संख्याएं कुल राज्यसभा सीटों की 1/3 होती है। तो वो कैसे भेजी जाती है मैं आपको अब डिटेल्स करता हूं, ठीक है। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना होगा राज्यसभा के सदस्यों की कुल जो कार्यकाल होती है 6 वर्षों की, 1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं, इनको अवकाश घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अब समझते हैं कि आखिर राज्यसभा सदस्यों की चुनाव होता कैसे है, राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इसको समझने की प्रयास कीजिए। आपको जैसे कि मैंने बार बार बताया कि राज्यसभा सदस्यों की चुनाव जो है वह कौन करता है, विधानसभा MLA, जिसको हम और आप 18 वर्ष के उम्र से या उससे ऊपर वाले लोग MLA जिनको भेजते हैं चुन करके, वे लोग जो होते हैं वे राज्यसभा सदस्यों की चुनाव करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हर स्टेट को अपने कुछ ना कुछ सीट भरने के ये लिए आमंत्रण आती है। आमंत्रण क्या, उनकी सीट जब खाली हो जाती है तो फिर उनको भरने के लिए कहा जाता है। फिर इसको कैसे भरा जाता है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल की बात ले ले राजस्थान की। राजस्थान के बारे में सभी लोगों को पता होगा राजस्थान में कुल लोक विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 हैं। वहाँ पर फिलहाल में कुछ दिन पहले 3 राज्यसभा की सदस्य की मतलब चेयर खाली था। तो इस 3 पर कैसे कैसे भेजा गया इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके नियम आसानी से सीखिए। जितने राज्यसभा की सीटें खाली हैं जिस राज्य की, उतना में पहले आप 1 जोड़ दीजिए। तो 3 खाली था राजस्थान में, 1 जोड़ दिए तो कुल कितने हो गए, 4। अब क्या कहता है, इस 4 से इस टोटल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में भाग दे दीजिए। यानी कि 200 में जब 4 से भाग देंगे तो 50 भर में कट ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपके पास मान कितना है, 50। इस 50 में अब 1 और जोड़ दीजिए, हो गए आपके पास कितने, 51। यानी अब जो 3 सदस्य आपको भेजने हैं राज्यसभा में सदस्य बनाकर अपने विधानसभा से, उसके लिए आवश्यकता है कि आपके पास जितने विधायक है जिस पार्टी के पास, वे किसी भी तरीके से 1 राज्यसभा सदस्य जो होगा वह 51 वोट से जाएगा। 51 अगर विधानसभा के सदस्य आकर उसको वोटिंग कर दे, नंबर 1 पर उसको पोजीशन दे दे, तो उनको 1 हो जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं। इस प्रकार से 3 सीटें थी तो 1 बीजेपी के खाते में चली गई और दूसरी 2 जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। 2 कांग्रेस के खाते में कैसे चली गई इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कितने अब देखेंगे कि कांग्रेस को कुल मिलाकर के लगभग वहाँ पर 115 सीट हासिल है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान से तो 51 से 1 चुन लेते हैं, फिर 51 से 1 चुन लेते हैं, ठीक है। अब इनके पास 115 में से 102 सीट गायब हो जाता है। देख लीजिएगा, 102 इस 102 से 1 इनसे राज्यसभा सदस्य और 1 इनसे राज्यसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य चुनकर भेज दिए। अब इनके पास कितने विधायक बच गए, 13 से तो 1 चुनेंगे नहीं, चूंकि 51 चाहिए, ठीक है। तो 51 चाहिए तो अब इनका कोई चारा चलने वाला नहीं है, तो इसको कौन भेजेगा, जी हाँ, बीजेपी के पास रहने वाली 73 सीटें थी, अब वो बीजेपी 51 सदस्यों की अपना वोटिंग करके जो है 1 राज्यसभा सदस्य चुन करके राज्यसभा में भेज देगी। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य भेजे जाते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना ही ज़्यादा सीट खाली रहेगा राज्यसभा का, उतना ही आसानी पूर्वक विधानसभा कम से कम विधायक दे करके वे भेजेंगे, ठीक है। अगली बिंदु ये है सभापति। याद रखिएगा, ये जितने भी लोग चुन करके जाएंगे वे बिल्कुल संसद भवन में बैठेंगे, राज्यसभा वाले संसद भवन में बैठेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बैठेंगे तो इन 245 को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन में रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो लोकसभा में जो व्यक्ति सांसदों को डील करता है उसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा में जो होता है, जो सांसद चुन करके लोग भेजते हैं, यानी कि हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं लोकसभा में, उसी में से वे लोग क्या करते हैं, अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन ये राज्यसभा जो होता है ना, अपने में से कोई अध्यक्ष या सभापति नहीं चुन सकता है।
कारण जानते हैं? यही कारण है कि कहा यह जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष जो होता है उस सदन का व्यक्ति नहीं होता है। तो आंसर याद रखिएगा, राज्यसभा का जो ये सभापति होता है या अध्यक्ष होता है वह जो होता है उस सदन का व्यक्ति नहीं होता है। यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति का काम करता है। अब आखिर उपराष्ट्रपति को काम ये क्यों सौंप दिया गया? आपको जैसे कि पता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे, और जब राष्ट्रपति किसी कारणवश, ठीक है, विदेशी यात्रा पर होंगे या हो सकता है कि अवकाश पर होंगे, उस दौरान उनकी सीट पर कौन काम करेगा? उस दौरान काम करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को वही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, जो जितने दिन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है। लेकिन अब अगली बात आएगी, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पूरी सक्षम हो और अपने काम को कर रहे हैं, वो देश में ही हो, तो फिर ये उपराष्ट्रपति का क्या काम है? उपराष्ट्रपति का कुछ काम होना चाहिए ना कि ऐसा ही पैसा पेड़ किया जाएगा? नहीं, यही कारण है कि अब उपराष्ट्रपति को इनके काम में लगा दिया जाता है कि अब आप जाइए और वहीं पर राज्यसभा सांसदों को आप समझाते रहिए, बैठाते रहिए, उनके तर्क वितर्क करते रहिए, उनसे चर्चा परिचर्चा करते रहिए। तो वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन है? यानी कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ठीक है, उनकी सहायता हेतु अभी फिलहाल एक उपाध्यक्ष भी रखे गए हैं जिनका नाम हरिवंश नारायण सिंह है। तो याद रखिएगा, सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, और उप सभापति कौन है? तो वे हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह का जो है वह किस दल से आए हुए हैं? जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। उससे पहले शरद यादव जी इसका नेतृत्व करते थे और उन्हीं को शायद वास्तविक संस्थापक भी ऐसे माना गया है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट से हर एक बिंदु मैंने क्लियर करने की प्रयास किया है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, और दूसरा बिंदु होगा कि लोकसभा क्या होता है और उसमें कैसे चुनाव की जाती है। तो दोस्तों, लोकसभा का वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। अब इससे सदन को जो लोकसभा है उसको हम लोग अस्थाई सदन नहीं कहते हैं, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक है, अस्थाई सदन है। उसके बाद इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये हुआ कि ये लोगों का सभा है। यानी कि हम लोग जो है ना 18 वर्ष वाले या उससे अधिक उम्र वाले डायरेक्ट जो वोट देते हैं ना ईवीएम से या फिर पेपर के माध्यम से, और जो चुन करके हम लोग भेजते हैं वो हाउस ऑफ पीपल है। इसको ज़रूरत के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आपको अब इसके बारे में बताते हैं। इसके सदस्यों की संख्या हमारे भारतीय संविधान में 552 वर्णित की गई है अधिकतम। लेकिन इसके बारे में अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। कहीं पर कहा जाता है 550, कहीं पर लिखा गया रहता है 500, देखेंगे 550 प्लस 2, फिर कहीं कहीं लिखा जाता है 545 प्लस 2 प्लस 7, उसके बाद कहीं कहीं लिखा जाता है 545, तो कहीं पर इसी को कुछ लोग 543 कहते हैं। ये आंकड़े कहीं गलत नहीं है। हर आंकड़े का अपना अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था है, हर आंकड़ा कुछ ना कुछ कहता है। ये जो 552 है ना, ये संविधान में वर्णित किया गया है कि अधिकतम कुल कितने सीट लोकसभा के हो सकते हैं। याद रखिएगा, तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 552 सीट हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे। 550 क्या है? ये 550 का मतलब कि निर्वाचित कितने सदस्यों को किया जा सकता है हमारे 2800 राज्यों से, और जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे कितने को ये निर्वाचित किया जा सकता है, तो वो है 550 अधिकतम। लेकिन जब अब ये देखते हैं ना 550, ये भी अपने आप में सही है, क्योंकि 550 जो होंगे राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, इसको क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। लेकिन ये दो जो होंगे इंडियन जो लोग होते हैं उनको चुनेंगे कौन? ये राष्ट्रपति। ऐसे तो राष्ट्रपति चुनने के ये पूर्ण रूप से ये उनको कुल मिलाकर के अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये कैबिनेट और फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर जो मंत्रिपरिषद होता है उनकी सलाह से भी चुनते हैं। अब चलिएगा, तो ये भी अपने आप में
545 प्लस 2 प्लस 7 का मतलब क्या है? 545 का मतलब देखेंगे यहां पर जब चलेंगे तो ये 7 5 12 क्षमा करेंगे 545 नहीं 543 प्लस 2 543 प्लस 2 प्लस 7 ये भी आंकड़े अपने आप में सही है क्योंकि 543 का चुनाव किया जाएगा, दो जो है मनोनीत किए जाएंगे, चुने जाएंगे, ये जो ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सात कौन होंगे? ये सात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय संविधान में पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको भी भारत का अंग माना गया है। जिस दिन वो अपना भारत का हिस्सा बन जाएगा उस दिन यह सात जो लोकसभा क्षेत्र है वो उनको प्रदान कर दिया जाएगा। यानी मान करके चलिए कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो आने वाले दिन में भारत का एक हिस्सा होगा और उस दिन सात जो अपने लोकसभा सदस्य होंगे वहाँ से चुन करके आएंगे। उसके बाद ये 245 क्या है? 245 का मतलब वही 545 का मतलब 543 प्लस 2, यही बातें आपके पास की जाएगी। ये 543 क्या है? यानी कि ये निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं। रियल में उतने ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कभी कभी आंकड़े छिट छिट करके पूछ दिया जाता है कि बताइए इसमें सात का मतलब क्या है, कभी पूछ जाता है दो का मतलब क्या है, कभी पूछ जाता है कि 545 प्लस 2 क्यों, नहीं 543 प्लस 2 क्यों, तो आप समझ जाइएगा। हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर अधिकतम कितने 552 सीटें की इंतजाम की गई है, जिसमें जो है 543 सीट जो है केंद्र शासित और राज्यों से चुन करके आएंगी। उसके बाद नंबर दो पर आपके पास आता है कि इसमें दो जो है एंग्लो इंडियन, यदि 543 में अगर एंग्लो इंडियन का सीट नहीं है तो राष्ट्रपति जो है दो ठो एंग्लो इंडियन को चुन लेगा। अब आप समझेंगे दो ये एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, आपको मैं बता दूं, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है दोस्तों कि यदि इस 543 में कोई भी एक ऐसा सदस्य दो नहीं है जिनके पापा या परदादा जो है इस देश में रहे हो और वो अंग्रेज थे और यहाँ के किसी भारतीय नारी से शादी किए हों, ठीक है, उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी कि वैसे लोगों के वंशज जिनके पिता या उनके परदादा या दादा जो थे वे अंग्रेज थे और यहाँ की किसी भारतीय महिला से शादी किए थे, तो ऐसे सदस्य अगर इस 543 में चुन कर नहीं आए होते हैं तो उस कंडीशन में दो को जो है हमारे राष्ट्रपति मनोनीत कर लेते हैं, ठीक है, इसको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। लोकसभा सदस्यों की अपनी जो क्वालिफिकेशंस है, जो उनकी मापदंड है, योग्यता है, वह क्या है इसको देख लेते हैं। तो लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होनी चाहिए वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह 25 साल का उसका उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। वह भी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस उसके साथ है तो वो लोकसभा की सदस्य बनेगा, ठीक है, और जिस क्षेत्र से वो चुन करके आएगा वहाँ के 18 से या 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग उसे निर्वाचित करेंगे, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं। लोकसभा जो 543 सदस्य हैं, यह कई पार्टियां मिलकर के इसमें जो है अपनी पार्टिसिपेशन करती है, जिसको राजनीतिक दल कहा जाता है। वे राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करती है और चुन करके आए हुए सदस्य जिस पार्टी को आधे से अधिक या उसके गठबंधन को आधे से अधिक सीट प्राप्त हो जाती है उनके सभी लोकसभा सांसद बैठते हैं और अपना नेता चुनते हैं। जब वो नेता चुनते हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं उस नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के रूप में उसको नियुक्त करता है। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा, निर्वाचित नहीं, निर्वाचित सांसद होते हैं और इसी प्रधानमंत्री के सलाह से पूछता है कि आपकी मत क्या है, किसको किसको आप मंत्री बनाना चाहते हैं। इनके सलाह से एक मंत्री परिषद का निर्माण की जाती है, एक कैबिनेट का निर्माण की जाती है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, वह शपथ दिलाता है हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सा दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा थकान हो गई, हम आगे लोकसभा से जितने भी बिंदुएं बच गई है और राष्ट्रपति से संबंधित जो बिंदुएं हैं हम आपको अगले वीडियो में प्रदान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थकान हो रही है लगातार बोलने से। दैट्स ऑल, जय हिंद।